आप सभी को ये बात तो पता है कि आए दिन फ्री फायर में ना जाने कितने सारे अतरंगी सतरंगी नारंगी चीजें होते रहती है। शुरुआती समय में फ्री फायर हमें दिखाते तो कुछ और है, लेकिन बाद में वो ग्लिच के चलते फ्री फायर कुछ और ही कर देता है। फ्री फायर जानबूझ के करता है फिर अनजाने में होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट इन गेम हमारे साथ ऐसे काफी सारे स्कैम्स हुए हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फायर के सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ, ये कोई सीरियस स्कैम्स नहीं, ये इन गेम ग्लिचेस हैं, जो कि फ्री फायर ने स्टार्टिंग में कुछ और दिखाया था लेकिन कोई ग्लिच चलते कुछ और हो गया। इसे हम प्यार से भाषा में कह सकते हैं स्कैम। बिना बोले वीडियो को एक लाइक कर देना, और जैसे कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो 3 मिलियन सब्सक्राइबर कितने तक करीब है, तो प्लीज ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है ना हम लोग 3 मिलियन सब्सक्राइबर पे फेस रिवील करने वाले, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि 3 मिलियन पे हम लोग कुछ गिव अवे करें, तो गिव अवे पार्टिसिपेट करना है तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे सर्वर को जाद से ज्वाइन कर लेना। बिगेस्ट स्कैम नंबर 6। अब यहाँ पे आप देखो, जब मैं स्टोर सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे जो बंडल्स है कैरेक्टर्स के वो ओन दिखा रहा है, मतलब हम इसे खरीद नहीं सकते, पहले से मेरे पास है ही। बट अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे हायाटो का देखो, ये बंडल मेरे पास पहले से ही है। एंड बाजू में देखो यहाँ पे ओन भी दिखा रहा है पहले से, बट यहाँ पे डायमंड परचेस का भी ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये कैसे भाई, यहाँ पे ओन भी दिखा रहा है और आप डायमंड परचेस करने के लिए बोल रहे हो फिर से, लेकिन नीचे में देखा आपने वैसा नहीं दिखा रहा था। अब सिमिलर यहाँ पे मेरे पास आलोक का भी फुल बंडल है, तो आलोक का भी सेम यही दिखा रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे भी आलोक को भाई परचेस करने बोला फिर से, देखिए मेरे पास पहले से ही वो ओन है। यहाँ पे केक अभी पहले से मेरे पास ओन है, CR7 का आई थिंक नहीं है मेरे पास, चलो छोड़ो CR7 को, स्कायलर का भी पहले से ओन है मेरे पास, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। बट यहाँ पे नीचे में कुछ बंडल्स है वो पहले से ओन दिखा रहा है, इसमें हम लोग फिर से उसको परचेस नहीं कर सकते। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास तो बंडल पहले से बहुत सारे परचेस्ड है, तो वहाँ पे डायमंड्स का ऑप्शन क्यों दिखा रहा है, मतलब कुछ में डायमंड्स का ऑप्शन दिखा रहा है कुछ में नहीं दिखा रहा है। भाई ये किस तरीके का स्कैम है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या आपके साथ भी ये स्कैम होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। बिगेस्ट स्कैम नंबर 5। अब ये स्कैम तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कान खुल के सुनना। अभी रिसेंटली हमारे गेम में ड्रैगो एक आया, जो कि बहुत पहले पहली बार आया था, आई थिंक आज से 1 साल पहले आया था, अब फिर से फ्री फायर ने रिटर्न किया। अब ये स्कैम नहीं है। अब आप लोग गिफ्ट सेक्शन में जाओ एंड क्रेट्स में जाओ, तो वहां पे आपको ड्रैगो एक का जो टोकन है वो गिफ्ट सेक्शन में देखने मिलेगा, सिर्फ ड्रैगो एक का मिलेगा आपको, लेकिन बाकी जो जितने भी है इवो गन्स उसका कोई भी क्रेट आपको वहां पे देखने नहीं मिलेगा। आप लोग पूरा स्क्रॉल कर लो, कहीं भी देख लो, आपको देखने मिलेगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको ड्रैगो एक का ही देखने मिलेगा। भाई मतलब ये क्या स्कैम है, मेरे को समझ में नहीं आया। गरीना वालों को बाकी वो गन से क्या प्रॉब्लम है, ड्रैगो एक का आप लोगों ने दिया है गिफ्ट सेक्शन में, लेकिन बाकियों का क्यों नहीं, बाकी वो गन्स का क्यों नहीं, ये पार्शलिटी क्यों भाई। इसे तो यार आसान भाषा में हम लोग स्कैम ही बोलेंगे, या फिर आप इसे ग्लिच भी बोल सकते हो। नहीं मतलब क्या भाई, क्या बाकी का आप लोग दे नहीं रहे हो, लेकिन सिर्फ आपको ड्रैगो एक का वहाँ पे गिफ्ट सेक्शन में टोकन देना है, यार ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ आया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। बिगेस्ट स्कैम नंबर 4। आपको ये वाला बंडल पता है, ये कौन सा बंडल है, इसे शायद से ब्लड मून समुराई बोलते हैं, या फिर ब्लड पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार इसको, चलो ब्लड मून इंक्यूबेटर बोल रहा हूं मैं। अभी आपको इंक्यूबेटर बोल रहा हूं तो आपको समझ आ गया होगा ये पूरा इंक्यूबेटर, तो क्या आपको इसके बारे में स्कैम पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मनीष भाई आपने इसके पहले इसके बारे में एक स्कैम बताया था, वो इंक्यूबेटर का था, चलो मैं आपको फिर से एक इंक्यूबेटर के बारे में स्कैम बताता हूं। तो पिछले साल अप्रोक्सीमेटली आज से 1 साल पहले जो दिवाली आया था उस टाइम पे 75% ऑफ में ये इंक्यूबेटर हमें देखने मिला था। और यहाँ ऊपर में देखो, यहाँ पे ऊपर देख सकता हूँ ये 48 आवर्स के लिए, मतलब 2 दिन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे स्कैम क्या हुआ आपको पता है, ये इवेंट सिर्फ 24 आवर्स के लिए था, फिर ये इवेंट गायब हो गया। 75% जो ऑफ मिला था वो सिर्फ 24 आवर्स के था, लेकिन यहाँ पे 48 आवर्स दिखा रहा है। तो जैसे ही 24 आवर्स हुआ फिर उसके बाद ये 75% जो ऑफ था वो गायब हो गया, मतलब लिटरली स्कैम हो गया। मैं सोचा था कि मैंने पहले दिन कुछ बंडल निकाला, ये टॉप वाला मैंने गोल्डन वाला निकाला था, फिर मैं सोचा अगले दिन ये ब्लू वाला भी निकाल लूंगा, बट हुआ क्या कि भाई 75% ऑफ चला ही गया। यहाँ पे देखो गरीना ने यहाँ पे लिखा भी है 16 तारीख तक एक्सटेंडेड रहेगा, बट वो सिर्फ 15 तारीख को ही था, 16 तारीख को था ही नहीं, 16 तारीख को 75% ऑफ वाला गायब ही हो गया लिटरली। यहाँ पे आप देखो एक स्पिन 10 डायमंड का और 5 पिन 45 डायमंड्स का, भाई कितना ज्यादा सस्ता था, यहाँ पे आपने देखा। यार लिटरली मेरे साथ बहुत गंदा स्कैम हो गया, क्या आपके साथ भी ये वाला स्कैम हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, मेरे को लग रहा है यार आपके साथ भी ये स्कैम हुआ होगा। बिगेस्ट स्कैम नंबर 3। अब यहाँ पे हम जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, वो स्कैम हुआ था ब्रेक डांसर बंडल के साथ। ये ब्रेक डांसर बंडल आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रेक डांसर बंडल सबसे पहली बार आया था गोल्ड रॉयल में, मतलब ये गोल्ड रॉयल का बंडल है, एंड आज से अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले की बात है शायद, उस टाइम पे फ्री फायर वाले जितने
भी गोल्ड रॉयल के बंडल है सभी के सभी को एक साथ रिटर्न किया था। जितने भी आज तक गोल्ड रॉयल के बंडल आए हैं वो सभी के सभी रिटर्न में आए थे 24 घंटे के लिए, कुछ इस टाइप का इवेंट था। इस इवेंट में सारे के सारे गोल्ड रॉयल थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डांसर बंडल को ही छोड़ गए। मतलब क्या भाई क्या, ब्रेक डांसर बंडल भी तो गोल्ड रॉयल का ही आइटम है ना, लेकिन उसको दिया नहीं गरीना वालों ने। भाई ऐसा क्यों किया गरीना वालों, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं मतलब ये चीज मेरे को आज समझ में नहीं आया कि भाई यार वो भी तो गोल्ड रॉयल का ही चीज है, उसको भी दे देते क्या चला जाता। ना 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 ना, गरीना वालों ने दिया क्या उसको, नहीं दिया, बल्कि उसको डायमंड वाले इवेंट में देते हैं। गोल्ड रॉयल का आइटम है उसको डायमंड स्पिन वाले इवेंट में दिया जाता है। वाह गरीना वाह। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिना भूले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। देखो मेरे को पता है आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, तो याद से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर से सेट कर देना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिगेस्ट स्कैम नंबर 2। अब ये जो स्कैम है ये ग्रैंड मास्टर की तरफ से, या फिर आप ग्रैंड मास्टर के अलावा आप इसे पूरे रैंक सीजन को बोल सकते हो। पहले ना जब हम रैंक पुश करते थे, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो हीरोइक हो, चाहे वो ग्रैंड मास्टर हो, अगर हम रैंक पुश करते थे तो रैंक पुश करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता रहा। जितना अभी है ना उससे 10 times ज़्यादा मुश्किल हुआ करता रहा। अभी तो फ्री फायर वालों ने रैंक पुश करना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, तो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता रहा इसलिए पहले फ्री फायर वाले 2x टोकन दिया करते थे, मतलब डबल रैंक टोकन, जिससे हमारा रैंक डबल प्लस होता रहा अगर हम उस टोकन को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। गरीना वालों ने 2x टोकन को रिमूव किया, डबल रैंक टोकन को रिमूव किया, उसके बाद गरीना वालों ने रैंक सीजन, मतलब जो रैंक सीजन है उसमें जो प्लस होता है उसको कम कर दिया था। मतलब रैंक पुशिंग थोड़ा सा हार्ड हो गया था, थोड़ा सा नहीं काफी ज़रा हार्ड हो गया था। बट आज से कुछ समय पहले आप बोल सकते हो कि लाइक एक अपडेट या दो अपडेट पहले गरीना ने जो रैंक पुशिंग है उसको इतना ज्यादा आसान कर दिया है जितना आप सोच तक नहीं सकते। क्योंकि हीरोइक में भी लोगों अगर कोई बुया कर रहा है उसका 40-50 प्लस हो रहा है, जबकि हीरोइक में पहले बुया करने पर सिर्फ और सिर्फ 12 फिर 15 प्लस हो रहा था। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। सोने पे सुहागा वाला स्कैम ये है कि बाहर के सर्वर में पार्टनर प्रोग्राम में जो प्लेयर्स होते हैं उनको मेल सेक्शन में 2x टोकन मिलता है, मतलब डबल रैंक टोकन मिलता है। भाई ये क्या है भाई, एक तो पहले ही रैंक पुशिंग कितना आसान कर दिया अब, एंड दूसरे सर्वर में आप लोग डबल रैंक टोकन बांटे जा रहे हो, मतलब इज्जत ही नहीं है रैंक पुशर्स की। और ग्रैंड मास्टर में तो भाई आजकल लोग देख रहे हो, पिछले रैंक सीजन में शायद से एक बंदे का 50-60 स्कोर था ग्रैंड मास्टर में, पहले 15,000 नहीं होता था, यहाँ पे 50-60 स्कोर करके बैठे थे। आपका क्या ओपिनियन है इस पुशिंग के मामले में, मतलब गरीना ने इसको इतना इजी कर दिया है, आपका क्या सोचना है इस बारे में? मेरे को तो ये लगता है कि यार पहले जो पुश कर देना हार्ड था वही बेटर था, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ग्रैंड मास्टर पहुंच जा रहा है। बिगेस्ट स्कैम नंबर 1। एंड जो फर्स्ट नंबर पे स्कैम आता है वो एक गन स्किन की तरफ से। अब मैं कौन सी गन स्किन की बात कर रहा हूं, ये M4A1। अब ये वाली M4A1 की स्किन को देखना, इसकी एट्रीब्यूट को देखो। ये M4A1 का नाम अर्थ M4A1 बोलता हूं मैं, ये पीली वाली M4A1 को, मेरे को उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, मैं हमेशा भूल जाता हूं। तो इसके एट्रीब्यूट को देखो। अब सिमिलरली इसके जैसी एक और गन स्किन है जिसका लुक काफी ज्यादा अलग है, पूरा ही अलग है, इसके जैसा दिखता ही नहीं है, बट इन दोनों के एट्रीब्यूट को देखो कितने ज्यादा सेम है, मतलब डिटो सेम है गाइस, डिटो सेम, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो भी बिल्कुल सेम है, एंड माइनस पॉइंट बिल्कुल सेम ही है। तो क्या आपके पास ये वाली गन स्किन है, और है तो ये पीली वाली है या फिर राइट वाली गन स्किन है, मुझे कॉमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास ये पीली वाली है जो कि मुझे पिछले साल दिवाली में बिल्कुल फ्री में मिली थी। करता हूं गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना बिना भूले, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक करने में। और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर सेट कर देना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। सो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गेम प्ले मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उस चैनल जाकर विजिट कर सकते हो। एंड बिना भूले हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कर लेना, 3 million पे हम लोग वहाँ पे कुछ गिव अवे का प्लानिंग कर रहे हैं, तो जाकर जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड सर्वर को, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, डब्ल्यू एम पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।